जाने क्यों अब भी लोग नकली शराब का गुरख धंधा कर चंद पैसों के लिए किसी की जान के साथ खिलवाड़ करने से पीछे नहीं हटते। तो ऐसे में आबकारी विभाग और पुलिस विभाग भी इस तरह के लोगों को बख्शने के मूड में नहीं है। तो इसी बीच अंबाला पुलिस और आबकारी विभाग को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि पुलिस ने नकली शराब बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ कर भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की है और साथ ही अवैध शराब का कारोबार चलाने वाले 3 लोगों को भी मौके से ही गिरफ्तार किया है। दरअसल पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि दुराना गांव ने अवैध शराब का कारोबार चल रहा है, जिसके बाद CIA 1 CIA 2 सहित स्पेशल फोर्स की टीमों ने शराब बनाने वाले गिरोह के ठिकाने पर रेड कर दी, जहां से भारी मात्रा में कच्चा सामान और अवैध शराब बरामद की है। इसमें 3 लोगों के नाम आए हैं, लगभग तीनों ही राउंड अप हैं, और इसके अलावा यहां पर 5-6 जो हैं केमिकल के ड्रम मिले हैं, इसके अलावा कुछ चीनी मिले हैं, उससे संबंधित खाली बोतलें और पौवे आदि मिले हैं। इसके अलावा और छानबीन की जा रही है, क्योंकि आगे भी कोई गैंग है क्या है वो इन्वेस्टिगेशन का अलग से पार्ट रहेगा। सर, शराब देसी बनाई जा रही थी? हाँ, यूपी मार्का के नाम से बनाई जा रही थी, जिसमें यूपी की दारू है, यूपी में ये सप्लाई करते थे, यही बात आई है। अभी अभी लगा कि मकान नया है, अभी कुछ ही दिन से इन्होंने काम शुरू किया था, और ये जो राकेश है ये पहले भी यूपी में कई जगह पकड़ा गया है, और इसके 2-3 गाड़ियाँ हैं, वो गाड़ियाँ भी इसके पहले यूपी में पुलिस के द्वारा कब्जे में ली गई हैं। नकली शराब की खेप पकड़े जाने के बाद आबकारी विभाग के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे, जिन्होंने बताया कि यहां बनाई जा रही शराब पूरी तरह से अवैध और नकली है। तकरीबन 7:45 बजे करीब हमारे को CIA स्टाफ से एक टिप ऑफ मिली, इन्फॉर्मेशन मिली कि ऐसे ऐसे करके एक ये गांव है, क्या कहते हैं, मोहड़ा के पास गांव है, ये दुराना गाँव। तो यहाँ पे खेतों के बीच जो है एक आइसोलेटेड मकान में शराब नकली बनाई जा रही है, तो आप इमीजिएटली आ जाएं ताकि ज्वाइंट कार्रवाई की जा सके। तो मैं अपनी टीम के साथ उसी वक्त इमीजिएटली तैयार करके पहुँचे हम लोग यहाँ पे, और हमने ज्वाइंट कार्रवाई यहाँ पे करी। तो ये देखने में ये आया कि कुछ स्पिरिट के ड्रम मिले हमारे को यहाँ पे, तकरीबन 6-7, और क्या कहते हैं, हमारे को यूपी में भेजने वाली जो है वो 4 तरह के लेबल मिले हैं इसमें, और कुछ ढक्कन मिले हैं इसके, और बोतलें नहीं मिली, तैयार शुदा शराब मिली है हमारे को जो स्पिरिट से बनाई गई, और उसमें कैरेमल मिला है, पानी मिला है, तो ऊपर सारा वो आप लोगों ने भी देखा, हमने भी देखा सारा। तो उसके बाद वो पकड़ करके इनकी कार्रवाई की जा रही है, और सारे हमारे CIA के जो स्टाफ है वो बहुत ही मुस्तैद और बहुत चुस्त है, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, और ये अभी बयान लिखे जा रहे हैं। तो ये जो जिसके बारे में पता चला, जो अक्यूज है राकेश नाम का जो बंदा है, उसके बारे में पता चला कि वो यूपी में ऑलरेडी 4-5 बार उसके ऊपर FIR दर्ज की जा चुकी है इसी तरह की शराब के मामले में। मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी उत्तर प्रदेश तक अवैध शराब की सप्लाई करते थे और अवैध कारोबार को बढ़ावा दे रहे थे। फिलहाल पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। अब देखना ये होगा कि पुलिस आरोपियों पर क्या कुछ कार्रवाई करती है। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए अंबाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट।